शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र की गौशाला में दुष्कर्म के आरोपी के अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटा दिया। देहात थाना क्षेत्र में एक साल पहले नाबालिग विक्षिप्त बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। वहीं टीआई विकास यादव ने बताया कि एक साल पहले देहात थाना क्षेत्र में विक्षिप्त नाबालिका के साथ आरोपी रामजीलाल धाकड़ ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद से ही वो फरार चल रहा है। उसने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर दो कच्चे मकान बना लिए थे। तहसीलदार रमेश चंद्र गुप्ता और देहात थाना पुलिस ने दलबल के साथ गौशाला मस्जिद के पास कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटा दिया है। तहसीलदार गुप्ता ने बताया कि शिवपुरी में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। ये एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक अपराध पंजीबद्ध थाना देहात में हुआ था। करीबन एक वर्ष पुराना अपराध है, जिसमें आरोपी रामजीलाल धाकड़ घटना दिनांक से फरार, जो कि जिसको यहाँ कई वर्षों से यहाँ पे इसको अतिक्रमण की जगह बनाकर रह रहा था, उसमें दो पार्टर उसने बना रखी थी, तो जो कि फरार है अभी तक नहीं मिला है। उसकी ये जो अतिक्रमण में जो उसका कब्जा था, उसको आज कब्जा मुक्त किया गया। ऐसे सर कितने लोगों को चिन्हित किया गया देहात थाने क्षेत्र में, जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है ऐसे, और उनके ऊपर आगे भी कार्रवाई की जाए? इसमें जो जिन गंभीर अपराध और महिला संबंधी दुष्कर्म के जो अपराध रहेंगे जिन लोगों पर, उन लोगों के की जो अवैध संपत्ति या जो अतिक्रमण की संपत्ति होगी, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी।